नमस्कार, आप सुन रहे हैं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास संकल्प मृद्विका के साथ। चैप्टर 10। एक रात पहले बाल किशन लक्ष्मी को लेकर सीधे अपने घर आ गया था। वो घोड़े से उतरा, फिर लक्ष्मी को सहारा देकर नीचे उतारा। लक्ष्मी ने लाल रंग का कुर्ता और सलवार पहनी थी, लाल रंग का गोटेदार दुपट्टा ओढ़ा था। उसने दुपट्टे से सर ढक लिया। दरवाजा बंद था। बाल किशन ने दरवाजे पर दस्तक दी। सरला ने दरवाजा खोला। बाल किशन के साथ आई लड़की को देखकर वो सोच में पड़ गई। लड़की उनके पैर छूकर एक ओर खड़ी हो गई। माँ ने बाल किशन से पूछा, ये लड़की कौन है? उसने पूरी कहानी सुना दी और कहा, अब ये तुम्हारी शरणागत है, बल्कि हम दोनों ही तुम्हारे शरणागत हैं। जैसी तुम्हारी आज्ञा होगी करेंगे। माँ ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और कहा, इसे मैं अपनी शरण में लेती हूँ, अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। ये कहकर वो लक्ष्मी को अपने साथ घर के अंदर ले गई। बालकिशन थोड़ी देर किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा रहा, फिर लक्ष्मी को माँ की शरण में पूर्ण सुरक्षित जानकर निश्चिंत होकर अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। रात्रि जागरण और यात्रा से थका था। विश्राम मिला तो आंख लग गई। उसे घोड़े को बांधने तक का ख्याल न रहा। घोड़ा थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर मंथर गति से चलता हुआ अपने मालिक के घर चला गया। रफीक इस तरह घोड़े को अनायास आया देख चिंतित हो गया। वो बड़बड़ाया, अबे सवारियों को रास्ते में गिरा तो नहीं आया? वो तत्क्षण तैयार होकर घोड़े को तांगे में जोत कर तांगा दौड़ाते हुए बाल किशन के घर की ओर चल दिया। बाल किशन के घर पहुंचकर उसे ज्ञात हुआ वो सो रहा है। सब कुशल है समझकर वो बिना देर लगाए वहां से रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। आज वो रोज से जल्दी काम पर लग गया था।